राजस्थान में सरकार बनने के बाद पहला सत्र शुरू हुआ है विधानसभा सत्र। मेरे साथ पोखरण से जीते हुए बीजेपी कैंडिडेट विधायक महंत प्रतापपुरी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से वो आज का दिन देखते हैं। महंत जी, सबसे पहले बधाई हो आपको कि आप विधानसभा पहुंचे और भारी मत जीत के आए हैं। बधाई मैं पोखरण की जनता को समर्पित करता हूं और जो भारी मत दिए मुझे पोखरण की जनता ने दिए, क्योंकि विधानसभा खुद ही 300 किलोमीटर लंबी है। उस 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए सभी मतदाता वो यदि 88% मतदान करते हैं राजस्थान में सर्वोपरि, तो कितनी बड़ी उन्होंने क्रांति लाई है। और सर्वाधिक मत 86,00,000 मतों से जिताने का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए, इसे पोखरण को धन्यवाद, पोखरण की जनता को धन्यवाद जिन्होंने हमारी विधानसभा की सीढ़ियों पर भेजा। पोखरण की जनता में ने हमारे ऊपर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, इसलिए हम उनका विश्वास तोड़ेंगे नहीं, उनके विकास में कोई कमी नहीं रखेंगे। पॉलिटिक्स गंदी बताई जाती है, लेकिन संतों का पॉलिटिक्स में आना एक बहुत बड़ी अचंभित करने वाली बात है। क्या विशेष कारण रहे जो संतों को पॉलिटिक्स में आना पड़ा? जो व्यक्ति और जो ये जानते नहीं हैं कि संत भारतीय संस्कृति भारतीय राजनीति में आदि अनादि काल से रहे हैं, जब से ये भारत बसा है तब से भारतीय संस्कृति संतों और शास्त्रों के आधार पर ही चली है, तभी ये भारत विश्वगुरु बना था और अब भी संतों की भूमिका रहेगी। संतों का यह आना राजनीति में कोई नया नहीं है, परंतु ये संतों का आदिकाल से लेकर आज दिन तक हमारा सपना है कि भारत विश्वगुरु बने, भारत एक आदर्श प्रदेश बनाने में हमारे राजस्थान को योगदान रहेगा, निश्चय ही संत अपने कर्तव्य पथ पर चलेंगे। विधानसभा में बात चल रही है कि मारवाड़ी में शपथ लेने की, लेकिन अभी तक एक विधायक है उनको दोबारा शपथ दिलाएगी, क्या मानते हैं मारवाड़ी? मैं तो यूँ चाहूँ कि अगली बार और राजस्थानी ने मान्यता मिल जावे और घणाओं घना विधायक राजस्थानी में शपथ ले, हिंदी में ले और संस्कृत में ले, जदे तो यूँ ठाडो वेला, क्योंकि मेरी भाषा ही मारवाड़ी है राजस्थानी है, तो अपनी मायड़ भाषा बोलो जो कितना फूटरा लागो कितना मीठा लागो। विदेशी लोग आन मारवाड़ी सीखना चाहे और अभी मारवाड़ी यदि मारवाड़ी नहीं बोलो तो पे कहीं बोला। कहीं कहीं संतों का और नेताओं का सम्मान जो आपसे फिट कराव है, कहीं ना कहीं संत भी एंट्री कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, लगता है कि आने वाली राजनीति में संत और नेता एक दूसरे के टक्कर में होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ये कल्पना मत करो और ऐसी बातें करो भी मत। जितने भी अंतर नेता बैठे सब संतों के भक्त तो ही है, और कोई संत आएगा यहाँ तो वो गुरु की भावना से वो सारे भक्त देखेंगे हमारे गुरु जी आए, यहाँ टकराव की क्या बात है, यहाँ तो ये कहेंगे चलो विधानसभा में दो चार अपने गुरु जी तो बैठे हैं, कम से कम अपने ऊपर नजर रहेगी और इनका आशीर्वाद लेंगे, कहाँ टकराव की बात करते हो। मंत्री पद की रेस में आप भी कहने का गुरु और शिष्य का भाव है भाई, और वही करेंगे हमारे यहाँ जितने विधानसभा में बैठे सब गुरु और शिष्य का पालन करें। मैं गुरु हूँ तो गुरु धर्म का पालन करूंगा, वो सब शिष्य है तो शिष्य धर्म का पालन करेंगे। मंत्री भी बनाए जाएंगे, कैबिनेट मंत्री की रेस में आपका भी नाम है? मेरे को तो कोई सूचना नहीं है, जो बनेगा वो हमारा अपना बनेगा और 115 में से कोई भी बनेगा। आपकी चाह है? नहीं, क्यों, वह संत की कोई चाहना होती है क्या? संत तो लोकेशना वित्तेशना धनेशना से मुक्त होकर के हम लोग यहाँ आए, हमारे कौन सी जातिवाद करना कौन सा परिवार पालना है, हम लोग अपने कर्तव्य का बोध करके राष्ट्र की सेवा करने के लिए आए। मोदी जी योगी जी जिस पद पर चले उस पर अन्य संत भी चलेंगे और चल करके अपने स्वधर्म का पालन करेंगे हम लोग। सीएम भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया राजस्थान का, किस प्रकार देखते हैं, क्या ये क्या इन्होंने खूबी देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको बनाया? इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को लगातार समय देकर के भारतीय जनता पार्टी को सींचा और मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में बसे हुए भजनलाल जी, ऐसा नहीं है कि भजनलाल जी को कोई जानते नहीं है या भजनलाल जी किसी को नहीं जानते, भजनलाल जी हमारे बूथ अध्यक्ष तक को जानते हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया है, तो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई थी ऐसे ही प्रदेश मजबूत होगा। एक अंतिम सवाल आपसे यह था मेरा कि क्या विशेष बदलाव चाहेंगे राजनीति में राजस्थान प्रदेश के विकास को लेकर, जो पूर्ववर्ती सरकार गहलोत सरकार नहीं कर पाई, आप अभी विधायक बने हैं तो क्या विशेष प्रयास रहेंगे कि इस मुद्दों पर फोकस होना चाहिए सरकार का? मोदी जी ने जो काम किए ना वो कल्पना से परे किए, कभी किसी लोगों ने सोचा नहीं था कि ये भी हो सकता, असंभव को संभव होता है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कार्यकाल में होता है, और राजस्थान में भी जो लोग नहीं सोच रहे ऐसा असंभव से संभव होगा और बहुत अच्छा काम होगा। ये थे हमारे साथ पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी जी, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो मोदी डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में बनी है वो कहीं ना कहीं विकास को डबल विकास कराएगी और आने वाले समय में राजस्थान उच्च सिरमौर ऊंचाइयों को छुएगा, ये पूरे देश में तहलका मचाएगा राजस्थान, ऐसा कि ये कहना है महंत प्रतापपुरी संत का। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ संदीप अग्रवाल, नगरी मीडिया जयपुर।